दोस्तों, तो हमारे भारत में शिक्षा को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर इतने शिक्षित होने के बावजूद आज भी हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जाति भेदभाव, छुआछूत और हीन भावना जैसी बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते समाज में रोज आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए काफी चिंता का विषय बन चुका है। पर इसके बावजूद हमारे बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, पर इन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत आज खुद का स्टेटस ऐसा बना लिया है कि लोग आज उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके टैलेंट से प्यार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो कलाकार जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर वन, राखी सावंत। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर हो चुकी अभिनेत्री राखी सावंत के बारे में। तो राखी सावंत भी दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि इनका असली नाम नीलू भेड़ा है, पर बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद उन्होंने अपना नाम राखी सावंत रख लिया था। आज राखी सावंत ने अपनी मेहनत के दम पर वो स्टेटस बना लिया है कि दलित होने के बावजूद लोग इनसे भेदभाव नहीं बल्कि काफी प्यार करते हैं और काफी पसंद करते हैं। नंबर टू, शिल्पा शिंदे। भाभी जी घर पर हैं और बिग बॉस जैसे बड़े बड़े शोज में काम करके लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री शिल्पा शिंदे भी दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि इन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार अदायगी से लोगों को इस कदर अपना मुरीद बना लिया है कि लोग इनकी कास्ट को नहीं बल्कि इनके टैलेंट और इन्हें काफी इम्पोर्टेंस देते हैं और इनसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर थ्री, कैलाश खेर। इस लिस्ट में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर का नाम भी शुमार है, जिन्होंने अपनी गायकी के द्वारा आज विश्व भर में एक अलग पहचान बना ली है, जिसकी वजह से आज समाज इन्हें राजपूतों और पंडितों से भी ज्यादा सम्मान और प्यार देते हैं। और इनके गाने के तो दर्शक इस कदर मुरीद हैं कि लोग इनके हर एक आने वाले गाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नंबर फोर, मिस पूजा। बॉलीवुड में अपने बेमिसाल सुर और भांगड़ा के लिए जानी जाने वाली प्ले बैक सिंगर मिस पूजा भी दलित समाज से ताल्लुक रखती है। दलित समाज से ताल्लुक रखने के बावजूद लोग इनसे भेदभाव नहीं बल्कि इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके गानों के साथ भांगड़ा के भी काफी ज्यादा फैन हैं। नंबर फाइव, दिलेर मेहंदी। गायकी के दम पर लोगों को नचाने वाले पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी के आप भी बहुत बड़े फैन होंगे, जिनके गाने तो शादियों और पार्टियों में एक अलग जान डालने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिलेर मेहंदी भी दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं? जी हाँ, शायद आज तक आपको ये बात मालूम नहीं होगी, इसलिए तो आप सभी उनके गानों को धर्म और जात पात से ऊपर उठकर सुनते होंगे। आपको बता दें कि दिलेर मेहंदी के साथ साथ उनके भाई मीका सिंह भी दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, बावजूद इसके लोग इन्हें काफी ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर सिक्स, दिव्या भारती। बॉलीवुड में काफी कम समय में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती भी दलित समाज से ताल्लुक रखती थी, पर इनके बावजूद फैंस इनकी एक्टिंग के इस कदर मुरीद थे कि उनकी फिल्म के रिलीज होने के बाद लोग उनकी फिल्म को देखने के लिए लाइन में घंटों घंटों इंतजार किया करते थे। आज भले दिव्या भारती हम लोगों के बीच नहीं है, परंतु लोगों ने उन्हें जात पात से ऊपर उठकर काफी ज्यादा प्यार किया। नंबर सेवन, सोनू निगम। सुरों के बादशाह सोनू निगम की बात करें तो आपको ये बात शायद ही मालूम होगी कि सोनू निगम दलित समाज से आते हैं, बावजूद इसके आप उनके जाति और धर्म को न जानने की वजह से उन्हें हीन भावना से देखने के बजाय उनके गानों को काफी ज्यादा पसंद किया करते होंगे। आपको बता दें कि दलित समुदाय से संबंध रखने के बावजूद सोनू निगम को दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार मिला करता है, और आलम तो ये है कि लोग आज उनके आने वाले हर एक गाने का दिल थाम के इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार के बारे में नहीं पता था कि वो दलित समाज से नाता रखते हैं? आप हमें उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।